हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं टेंथ क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमें निकालना है जीरोज को और फिर जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। टोटल इसके 8 पार्ट हैं, उसका थर्ड पार्ट ये इस वीडियो में आप देखोगे समझोगे। तो यहाँ एक फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधे सीधे निकल जाएंगे, देखेंगे तो समझेंगे। देखिए, गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री। तो ए बी और सी की वैल्यू तो हम निकालेंगे कोफिशियंट्स की, क्योंकि उसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। कंपेयरिंग, इसे नाम दिया वन विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे कंपेयर करेंगे तो जो एक्स का कोफिशियंट है वो ए होगा, जो यहाँ पर वन है, कुछ नहीं है। तो एक्स का कोफिशियंट जो कि ये है, यहाँ पर बी है, तो ये बी के बराबर होगा और सी की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म होगी जिसमें ना एक्स स्क्वेयर है ना एक्स है, वो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस रूट थ्री प्लस वन और सी की वैल्यू रूट थ्री। क्लियर है? इसके बाद हमें जीरोज निकालनी है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला हुआ है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर, देखिए माइनस का निशान तो पहले लगाइए, आपसे गलती हो जाती है, लगाते नहीं है, फिर आंसर भी आपका गलत आता है। माइनस रूट थ्री इंटू एक्स रूट थ्री एक्स, इसी तरह माइनस प्लस माइनस वन इंटू एक्स एक्स। क्लियर है? यानी कि एक तरीके से ये समझ लीजिए माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन हुई इसके साथ, फिर इसके साथ ये मिल गया प्लस रूट थ्री। इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालेंगे, आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे? एक्स कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया एक्स, और रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स में से एक्स कॉमन लिया तो माइनस रूट थ्री बचा। और इधर जो है ना माइनस कॉमन लेंगे माइनस वन, तो सेम चीज़ आ जाएगी एक्स माइनस रूट थ्री। ठीक है? अब ब्रैकेट में दोनों में सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। एक्स माइनस रूट थ्री कॉमन लिया और इसमें से बचा एक्स, इसमें से बचा माइनस का वन। तो एक्स माइनस रूट थ्री को जीरो के सामने पुट करेंगे तो आपको पहला जीरो मिल जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री तो जाके प्लस का हो गया। एक्स माइनस वन को जीरो के सामने पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो जाके प्लस का वन हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है ना? गुड। अब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी कि रूट थ्री और वन का जोड़, दिस प्लस दिस। सम ऑफ जीरोज तो ये आया, अब कोफिशियंट से निकालेंगे। कोफिशियंट्स से सम ऑफ जीरोज का फार्मूला आया कि माइनस बी बाय, ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है, और पी इजल टू सी बाय ए होता है, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। बी की और ए की वैल्यू पुट करके हम एक बार हम इसको ऐसा लिख देंगे कि b की वैल्यू माइनस लेंगे और b की वैल्यू क्या है ये, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया माइनस रूट थ्री प्लस वन बाय में a की वैल्यू वन है। अब आप खुद देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो हमने निकाला है माइनस b बाय a के तरीके से, और ये निकला है सम ऑफ जीरो से, दोनों बराबर नहीं है, होंगे ही होंगे,
तो इसको हम इस माइनस बी बाय ए की फॉर्म में लिख दिया मैंने, और फिर लिखेंगे माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो सम ऑफ जीरोज के केस में कोफिशियंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। चाहो तो आप यहाँ पर माइनस बी बाय लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी रूट थ्री मल्टीप्लाई वन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपको मिलता है रूट थ्री। अब इसको सी बाई की फॉर्म में लिख देते हैं। सी यहाँ पर है कॉन्स्टेंट टर्म रूट थ्री और ए वन, तो ये सी बाई ए आ गया कॉन्स्टेंट टर्म। मतलब ये तो निकला प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, और ये हमने जानबूझ करके सी बाय ए ले करके लिखा, और ये दोनों बराबर है। तो जीरोज और कोफिशियंट्स के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर भी वेरिफिकेशन हो जाती है, तो लिख देंगे। लेकिन स्टेटमेंट ये, इसके मार्क्स कट जाएंगे, नहीं तो सही से नहीं लिखेंगे। तो कॉन्स्टेंट टर्म और नीचे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये वन हो गया, इसको नाम दे देती है टू, इसे नाम दिया थ्री। फ्रॉम टू एंड थ्री द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट्स हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके के आगे के जो पार्ट है वो भी करेंगे, इससे पहले वाले पार्ट्स भी किए हैं। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।